कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है 1978 से। रोजेनफेल्ड एक कॉन आर्टिस्ट है। कॉन करके उसने काफ़ी पैसे बनाए हैं। उसकी वाइफ भी है रोजलिन। रोजलिन काफ़ी अनस्टेबल रहती है। एकदम से उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं। एकदम से बात करते हुए गुस्सा हो जाती है। इन शॉर्ट वो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स की कंगना रनौत है। रोजेनफेल्ड इन सब में भी अपनी वाइफ के साथ एडजस्ट कर लेता है। इस कपल का एक अडॉप्टेड बेटा है डैनी। एक दिन कॉन करते हुए रोजेनफेल्ड की मुलाकात हुई सिडनी से। सिडनी की खूबसूरती देखकर रोजेनफेल्ड अपनी अनस्टेबल वाइफ को भुला बैठा। दोनों की नज़रें टकराई और ये आपस में प्रेम कर बैठे। दोनों आपस में जिस्मानी संबंध बना रहे थे कि तभी सिडनी ने कहा कि वो रोजेनफेल्ड के लिए कॉन का काम भी कर सकती है। इस तरह सिडनी अब रोजेनफेल्ड के लिए पार्टनर बन गई है। रोजेनफेल्ड अपने सर पर बाल दिखाने के लिए फाइबर का इस्तेमाल करता है। इससे उसका गंजापन कम हो जाता है। सिडनी एक इंग्लिश वुमन बनकर अच्छी इंग्लिश वाली एक्सेंट निकाल लेती है। वो एडिथ के नाम से कॉन गेम खेलती है। सिडनी यानी एडिथ के आ जाने से अब रोजेनफेल्ड का कॉन गेम काफ़ी बेहतर हो गया है। रोजेनफेल्ड का बस चले तो वो अपनी वाइफ रोजलिन को ही छोड़ दे। पर समस्या है तो इनका अडॉप्टेड सन डैनी। अगर रोजेनफेल्ड ने रोजलिन को डिवोर्स दे दिया तो उसे डैनी से हाथ धोना पड़ेगा। एक दिन तो रोजेनफेल्ड ने अपनी वाइफ रोजलिन से कह ही दिया कि वो उसे छोड़ना चाहता है। रोजलिन जान चुकी है कि आज कल रोजेनफेल्ड सिडनी नाम की किसी लड़की के साथ संभोग करता है। वो रोजेनफेल्ड से गुस्सा होते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे अय्याशियों के बारे में पता है। अगर तुमने मुझे छोड़ने की सोची भी तो मैं तुम्हारे सारे धंधे पुलिस को बता दूंगी। इस तरह रोजेनफेल्ड ने रोजलिन को छोड़ने का ख्याल फिलहाल के लिए छोड़ दिया है। सिडनी और रोजेनफेल्ड ने एक लोन स्कैम किया है। इन्होंने करोड़ों का लोन लिया है बैंक से और अब ये उसे चुकाना नहीं चाहते। इस मामले की छानबीन कर रहा है FBI एजेंट रिची। रिची ने सिडनी और रोजेनफेल्ड को पकड़ लिया। वो इन दोनों को यातनाएं देता है और कहता है कि अगर ये बाकी क्रिमिनल्स को पकड़वाने में मदद करें तो रिची इन्हें छोड़ सकता है। रिची को तो सिडनी के बारे में यही पता है कि सिडनी एक इंग्लिश वुमन है। सिडनी रोजेनफेल्ड से कहती है कि वो रिची को मैनिपुलेट कर सकती है अपनी खूबसूरती के दम पर। इस तरह सिडनी ने अब रोजेनफेल्ड को छोड़ दिया है और रिची को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना शुरू करती है। इस कहानी में रोजेनफेल्ड का एक दोस्त भी है जो कि अरब शेख के रूप में प्रटेंड कर रहा है। वो आजकल अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। उसे इन्वेस्टर की तलाश है। रोजेनफेल्ड का एक असिस्टेंट अरब शेख से कहता है कि क्यों ना तुम मेयर कार्मिन से बिजनेस करो। कार्मिन न्यू जर्सी में कैमडन सिटी में मेयर है। आजकल मेयर अटलांटिक सिटी में गैमलिंग को नए लेवल पर ले जाना चाहता है। उसे इन्वेस्टर की तलाश है। कार्मिन इस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहता है। इन सब के बारे में रिची को भी खबर लगी है। वो मेयर पर एक स्टिंग ऑपरेशन करना चाहता है। इससे उसे उम्मीद है कि कई सारे क्रिमिनल्स को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा। रोजेनफेल्ड कहता है कि ये आइडिया अच्छा नहीं है, इसमें काफ़ी रिस्क है। रिची का बॉस भी उसे यही समझाता है, पर रिची है जो कि स्टिंग ऑपरेशन को हर हाल में परफॉर्म करना चाहता है। वो सिडनी से हेल्प मांगता है। सिडनी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है। सिडनी रिची की हेल्प करने के लिए FBI सेक्रेटरी को मैनिपुलेट करती है। इस तरह उसने $2 मिलियन का वायर ट्रांसफ़र करा लिया। रिची का बॉस तो नहीं चाहता है कि ये ऑपरेशन हो, पर रिची के बॉस का बॉस एंथनी ने स्टिंग ऑपरेशन के लिए हरी झंडी दे दी। इस तरह रिची के बॉस पर प्रेशर पड़ा और अब रिची इस ऑपरेशन को हर हाल में परफॉर्म करना चाहता है। रिची कार्मिन से मिलकर उसे कैश ड्राइव देने की कोशिश करता है, पर रिची का ये प्लान फेल हो गया। कार्मिन ब्राइब लेने से इनकार कर देता है और यहाँ से चला गया। रोजेनफेल्ड मिला है कार्मिन से। कार्मिन को किसी साजिश की बू आ रही है। उसे तो अब अरब शेख पर भी भरोसा नहीं। रोजेनफेल्ड उसे कन्विंस करता हुआ कहता है कि शेख एक जेन्युइन इंसान है, पर वो ये भी कहता है कि उसे रिची पसंद नहीं। इस तरह कार्मिन और रोजेनफेल्ड अब दोस्त बन गए हैं। कार्मिन शेख को कसिनो पार्टी में लाता है। रोजेनफेल्ड देखता है कि माफिया बॉस विक्टर भी यहाँ मौजूद है। इसके साथ ही विक्टर के खास आदमी भी यहाँ मौजूद है। सब यहाँ एक दूसरे को डिच करने के काम में लगे हुए हैं। पर आजकल रिची का दिल सिडनी पर आ गया है। वो उसे प्रेम का इजहार करता है। सिडनी भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों यहाँ आपस में संभोग करते हैं, पर तभी सिडनी कुछ कहती है जो कि सिडनी की नेटिव वॉइस है। रिची ये जान जाता है कि सिडनी कोई इंग्लिश वुमन नहीं है।
सिडनी भी झूठ की जिंदगी जीते हुए थक चुकी है। वो ये स्वीकार करती है कि वो मैक्सिकन है। रिची को यकीन नहीं हो रहा कि उसे एक औरत ने इतना बड़ा धोखा दिया है। इधर रोजलिन भी रोजनफील्ड से दुखी है। वो अच्छी तरह जानती है कि उसकी शादी टूटने के कगार पर है। उसकी मुलाकात मॉबस्टर पीट से हुई। एक पार्टी में वो पीट से मिली। रोजलिन की खूबसूरती देखकर पीट भी खुद को रोक नहीं पाया। दोनों आपस में संभोग करते हैं और आजकल इन दोनों का अफेयर चल रहा है। रोजलिन अब अपने ही हस्बैंड के खिलाफ हो गई है। पीट से वो बता देती है कि रोजनफील्ड आजकल IRS यानी इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के लिए काम करता है। पीट मिला है रोजनफील्ड से। वो उसे बुरी तरह धमकाता है। रोजनफील्ड कहता है कि शेख की इन्वेस्टमेंट रियल है, उसने कोई धोखा नहीं दिया। रोजनफील्ड अपनी वाइफ रोजलिन को कन्फर्म करता है। रोजलिन उसे बताती है कि उसका पीट से अफेयर चल रहा है और अब वो अपने हस्बैंड से नहीं डरती। अब वो खुद ही डिवोर्स मांग रही है। बदले में वो अपना मुंह बंद रखेगी। रोजनफील्ड की किसी भी एक्टिविटी के बारे में वो किसी से कुछ नहीं बताएगी। इधर कार्मिन के हेल्प से रिची और रोजनफील्ड एक वीडियो टेपिंग करते हैं जिसमें कांग्रेस के मेंबर ब्राइब ले रहे हैं। बाद में रोजनफील्ड कार्मिन से मिला है। वो एडमिट करता है कि उसने स्कैम किया है, पर वो कार्मिन को इन सब में हेल्प करना चाहता है। कार्मिन तो रोजनफील्ड को अपना दोस्त मानता था। वो गुस्से में रोजनफील्ड को थ्रो आउट कर देता है। रोजनफील्ड को भी दोस्ती के टूट जाने का गम है। बाद में पता चलता है कि रिची ने जिसके साथ $2 मिलियन का वायर ट्रांसफ़र किया था अल्फांसो, वो दरअसल कॉन मैन है जो कि रोजनफील्ड और सिडनी के लिए काम करता है। सिडनी भी रिची को बेवकूफ़ बना रही थी। ये सब वो रोजनफील्ड के इशारे पर करती रही। रिची बुरी तरह फेल हो गया है इस केस में। उसे इस केस से निकाला गया और अब उसका करियर ख़त्म हो गया है। वीडियो टेप की वजह से कांग्रेस के लोगों को सज़ा मिली है। कार्मिन को भी 18 महीने की सज़ा हुई है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि रोजनफील्ड की शादी रोजलिन से टूट गई है। डिवोर्स के बाद रोजलिन अब पीट के साथ रहती है और डैनी की कस्टडी रोजनफील्ड के साथ शेयर करती है। इधर रोजनफील्ड भी सिडनी के साथ रहता है। उसने भी रोजलिन अपनी वाइफ को भुला दिया है। इसी नोट पर फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड पर।